वेलकम टू मी एंड माय फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है सैटरडे, करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन, और जिस दिन सभी लोग मार्केट जाते हैं और बहुत बहुत शॉपिंग करते हैं, और कुछ लोग तो पहले भी कर लेते हैं। बट इस बार मेरी कुछ शॉपिंग रह गई है, कुछ मैंने कर ली थी और कुछ मेरी रह गई है। तो अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और क्योंकि कल फास्ट है तो मुझे फास्ट के लिए कुछ काम ऐसे हैं जो करके रखने हैं, क्योंकि फिर फास्ट में ना हम लोगों में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम लोग नाइफ वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो आज ही मुझे वो काम भी पूरे करके रखने हैं। तो बस ब्रेकफास्ट के बाद जा रही हूँ भी वही सब काम करने के लिए। सो गाइज, मैं पहले आपको मिलवाती हूँ, हम लोग फोर्थ फ्लोर पे हैं और हमारे सेकंड फ्लोर पे जो भाभी रहती हैं उनसे, और रिद्धिमा गई हुई है उनकी बेटी से आज मेहंदी लगवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसी मेहंदी लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल रही है मेहंदी। हो गई क्या मेहंदी? हाँ, पीछे पीछे की रह रही है। दिखाओ, बहुत सुंदर लगाई है दीदी ने। बहुत प्यारी लगाई है यार, मुझे भी लगवानी है। और ये है भाभी की बेटी प्यारी सी। हेलो। और रिद्धिमा। हेलो। अच्छा, ये मेहंदी के डिजाइन देख रहे हैं बैग के लिए। चलो इतना हम भाभी से मिल के आते हैं। ये रही भाभी। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वैक्सिंग। वैक्सिंग चल रही है, करवा चौथ की तैयारी चल रही है। सो गाइज, मैं नीचे से आ चुकी हूँ और रिद्धिमा भी मेरे साथ आ गई है। और रिद्धिमा, अपनी मेहंदी दिखाओ। बहुत अच्छी लगाई है दी ने, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है इसको। तो सोच तो मैं ये रही हूँ कि मैं भी मेहंदी लगवा लूँ, और जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे मेहंदी लगवाने से पहले अपने बहुत सारे काम हैं जो कल के लिए कंप्लीट करने हैं, तो मैं वो सब काम कंप्लीट कर रही हूँ। आधा काम मैं करके गई थी और आधा मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मैं बना रही हूँ राजमा के लिए मसाला। अब ये मैंने कट करके कर दिया है। अगर अब बाकी का काम जो भी इसके अंदर है, ड्राई मसाला वगैरह डालने हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो मैं कल डाल दूँ तो भी चलेगा। मेन काम था कि हमने कटिंग चॉपिंग नहीं करनी है, वो मैं कर चुकी हूँ, और कटिंग चॉपिंग करके थोड़ा फ्राई भी कर चुकी हूँ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट काम पे। एकदम से लाल हो गया। और ये हमने बनाई है अभी के लिए सब्जी, जो हम लंच में खाएंगे, आलू बढ़िया। अभी के लिए सब्जी बना ली हमने, आलू बढ़िया। और इसे थोड़ा सा और होने देते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल सूख चुकी थी तरी। अब हम क्या करें क्या करें, बहुत सारा काम है, क्या करें। अब हम एक काम करते हैं, दूध बॉईल करते हैं। ओवन के अंदर गरम करने में तो अच्छा, तो शूट करने लग गई है, चल कर, कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो अभी पूरी रसोई में देखो कैसे खिलड़ मच गया है। ठीक है, ऐसा तो आपने भर दी। चौथी पे क्या रखने वाले हो? चौथी पे रखने वाले हो? हाँ रख रही हूँ, देख मेरे हैं, ये रखेंगे हम, दिख रहे हैं। हाँ, आलू बॉईल करेंगे हम चौथी पे। मेरे आलू भी हम कल के लिए बॉईल कर रहे हैं, कि अगर सर्गी के लिए आलू पूरी चाहिए हो या कल, इसको तो जरूर बीच में बोलना होता है, ये तो जरूर बोलेगा बीच में आके। हाँ हाँ ठीक है, हटा लेंगे। तो आलू बॉईल हमें इसलिए भी करने हैं क्योंकि सवेरे सर्गी के लिए अगर आलू पूड़ी के लिए चाहिए हो तो, और या फिर कल बच्चों को आलू के पराठे देने हो तो, और मैं नहीं चाहती कि फास्ट वाले दिन मेरा काम बहुत सारा हो तो मैं एक दिन पहले सिरका देती हूँ। तो हमारा ये वाला मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, बाकी का काम इसमें जो भी होगा। यहाँ पर सिक्के क्यों रखे हैं? पता नहीं यार किसने रख दिए हैं, बाद में करेंगे। अब इसके अंदर क्या है हमारा, अब इसको कहाँ रखोगे? इसको बस हल्का, ओ ये तो मैं भी हो रहा है। क्या ये? ये मैंने घी निकाला था सुबह। ये देखो गाइस, मम्मी कितने सारे घी निकालती है, अपने काम खुद बढ़ाती हैं। तो ये काम बढ़ाने नहीं होते हैं, ठीक है, ये घर के काम जो है वो हमें करने होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम अपने काम को बढ़ाते हैं। नहीं, आप बढ़ाते हो, सही बात है, हम बढ़ाते हैं। और जब खाने में अच्छा घी मिलता है ना, मतलब कैसा लगता है, टेस्टी टेस्टी, फिर अच्छा लगता है।
और ये स्लैब पूरा अभी भरा हुआ है, देख मैं पूरा कैसे खाली करती हूँ। मैं जाने से पहले पूरे काम करके जाऊंगी। मेरा तो मन कर रहा है कि अगर मुझे मेहंदी लगवानी है तो मैं उससे पहले थोड़ा सा आटा भी गूंथ दूँ पूड़ी वाला। मैं यार कल नहीं बनाना चाहती अपना काम, मेरे से ना हो पा रहा है फास्ट में। और ये तो है नहीं कोई हेल्पिंग हैंड है, ये हेल्पिंग हैंड तो कोई है नहीं है, मेहंदी वाले हैंड है, हम नहीं कर सकते। कप रखिया टूट गया, कुंडा टूट गई, कप तोड़ दिता। मैं क्या साथ साथ पांडे मांजा, पांडे लो मान लो पांडे, साथ साथ पांडे मांज लू फिर जाना है तो फिर फिर जाना पाऊगा, फिर जाना पाऊगा। तेरे जिवें ही रखिया कप कुंडा टूट गया, पड़ गया। और ये किसने रखा इसके अंदर चाय पत्ती के साथ डब्बा? शायद ये मेरे ही कारना में, तेरे ही कारना। मैंने मम्मी को कितनी बार बोला है कि आंटी को बोल दिया करो वही मान लेंगी, लेकिन नहीं, भाई बिल्कुल भी नहीं मानने देता किसी को भी, ना किसी और के हाथ का खाना खाता है, सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाता है वो, है मम्मा। हाँ मेरे को दुखी करा हुआ, दुखी करके रख देता एकदम। अब तो किसी के घर भी जाता है ना तो मम्मा ही बनाया, मम्मी ही बनाए सही में, किसी के भी हाथ का नहीं खाता वो। ये ना एक्चुअली बड़ी वाली खिड़की खुली हुई है ना, उससे ही आई है तो ये यहाँ से ही आई है। कैसे भाग भाग के, भाग भाग के मम्मी का काम इतना बड़ा जाता है ना, पहले यहाँ मम्मी बर्तन धोती हैं, बर्तन धोने के बाद यहाँ पर सुखाती हैं, फिर यहाँ पर सुखाने के बाद यहाँ पर लगाती हैं, यहाँ से जाकर फिर यहाँ पर रखती हैं कुछ देर, फिर उसके बाद ये इनकी जगह पर लगते हैं, इतना काम बढ़ जाता है मम्मी का। पजू गया, वो कहना चंगा है, चंगा है चुका, कभी तो और नवा आऊंगा, और नहीं तो क्या। मार्केट कितनी देर में चलोगे? बस रोटी खा के चलते हैं। करेले ऐसा लग रहा है आरो के सीन निकला। और यहाँ पे मोर पंख लगाया है मम्मी ने, मोर पंख लगाया है क्योंकि यहाँ पर छिपकलियाँ आती है, और मैं देखती हूँ छिपकली सबसे ज्यादा मोर पंख के साथ ही आके बैठी होती है। नहीं आती है, ओके हाँ जी आती है, नहीं पापा से पूछने झूठ नहीं बोल रही, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लेटें उल्टी मत लगाया करो, उल्टे लोगों उल्टे लोगों। मम्मी यहाँ रोटी बना रही है, वहाँ पापा नींबू डाल रहे हैं, नींबू नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे खीरा भी काट दो ना, पड़े हैं नीचे, मूली भी पड़ी, जो भी है मूली भी पड़ी है, काट कर मैं खा लूंगी मूली। फिर मम्मी को पोटी आ जाती है। हाँ मूली से मेरी कॉन्स्टिपेशन खुल जाती है कुछ। ये क्या करा आपने? इसको निचोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा घी। नहीं घी मत लगाओ इतना ज्यादा, मुझे गाय की रोटी है। अच्छा सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट और हमें करनी है अपनी शॉपिंग, जिसमें हमने ज़्यादा तो नहीं करना है, पहले का ले रखा है, थोड़ा बैंगल्स वगैरह रह गई थी वो लेना है और थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स लेना है, तो चलते हैं। पापड़ी ले रहा है, स्टिक वाला नहीं है ना, ये स्टिक वाला नहीं चाहिए, ये ब्रश है, कौन सी वो है, ये मियोन का। आंटी भैया आज देखिए ये तो चेयर सोया है हमारा, ये बैग का डिब्बा दे दिया आगे आपका 60 रुपए का स्पेशल। हाँ जी बिल्कुल सही है, बस
मम्मी थक गई, भाई थक गया और मैं तो इतनी थक गई कि मैं तो यहाँ भी चल और पापा इतना थक गए कि फर्स्ट फ्लोर पर ये अभी तक आए नहीं। मेहंदी दिखा हुआ है, अभी जूम करके लूँगी मेहंदी। अभी मैं थक गई हूँ। बेचारा गया। पापा आ गए, 1:17 हो रहे हैं। मम्मी मेहंदी तो दिखा दो। आओ दिखाए, इधर दिखा, इधर रखो, इधर इस पे रखो। तो ये देखो मम्मी की मेहंदी, सोनी सोनी मेहंदी। उस हाथ की दिखा यार, दो हाथ पे ना मेहंदी एक साथ कभी नहीं लगवानी चाहिए। क्यों यार, पता क्या है, कभी इधर खुजली आ जाती है, कभी नाक में आ जाती है, कभी इधर आ जाती है, कभी उधर आ जाती है। इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ ना मैं, दो हाथ में मेहंदी एक साथ लगवा के। ये मैंने इस बार दो हाथ पे मेहंदी एक साथ लगवाई है, अदरवाइज मैं पता नहीं कितने सालों से मेरा ये था कि मैं कभी भी दो हाथ पे एक साथ मेहंदी नहीं लगवाती थी, और ना मैं करवा चौथ की नाइट भी नहीं लगवाती थी। मैं एक रात पहले एक दिन में लगवा के फिनिश एक रात में, और करवा चौथ वाले में रिलैक्स फील करती थी। बट इस बार तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है, और मम्मी को देख के लग रहा है वो बहुत थक चुकी हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब कल मम्मी उठेंगी आराम से 8 बजे। नहीं अभी उठना है 4 बजे सर्दी के लिए उठना है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, बेड पे नहीं सोना है, मुझे फोल्डिंग बिछा दो प्लीज। मम्मी आज फोल्डिंग पे सो गई, बिछा दो लेना प्लीज जल्दी। इधर कर, मैं जरा गाइस से बात करूं। अरे गाइस, सो गाइस इस समय रात के बज रहे हैं 1:30, और हम लोग बहुत थक चुके हैं। आपने जैसा कि देखा सुबह से 1 मिनट भी नहीं बैठे, और ना हमने रेस्ट किया, और हम मंदिर भी गए थे जो हम क्लिप ले लिया है नहीं। तो अब हम सोएंगे, और सुबह हमें 4 बजे सरगी के लिए भी उठना है। तो एक बार फिर से मेरी मेहंदी स्टेयर्स पे कि मैं दूध अंदर रखना भूल गई हूँ, और जो काम भी हम करना भूल जाए उसको कोई और करता ही कहाँ है। सो गाइस अब बहुत लेट हो चुका है, और हमें बहुत तेज की नींद आई, और अभी भी देखो इतना सारा सामान हम जो खरीद के लाए हैं, सारा सामान हम शॉपिंग में खरीद के लाए हैं, और बहुत थक गए हैं। और एक बात बताती हूँ कि मैंने अपनी जो ये वेशभूषा धारण की हुई है मैं घर से सूट पहन करके गई थी, और मैंने हैंड टू हैंड वहाँ पर परचेज की, और सारी मार्केट बंद हो चुकी थी रात को 12 बजे। एक जगह मुझे मार्केट दिखाई थी, तो मैंने वहाँ से सिंपल से मतलब खरीद के परचेज करके और मैंने पहना, और उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई, क्योंकि सूट में अगर मैं मेहंदी लगवाती तो मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होने वाली थी। तो अब हम सोने जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान संभाल के, और हम सोने जा रहे हैं। सो मिलते हैं कल के करवा चौथ स्पेशल व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।